यह वाकया वर्ष 1984 के दिसंबर का है। आधी रात होने को थी। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एचआर भारद्वाज को तत्कालीन पीएम राजीव गांधी का बुलावा पहुंचा। भारद्वाज जब एक अकबर रोड स्थित राजीव के आवास पहुंचे, तो सामने वीपी सिंह ही बैठे दिख गए। वीपी सिंह तब कांग्रेस के यूपी प्रमुख थे, लेकिन राजीव ने वीपी सिंह को नजरअंदाज करते हुए भारद्वाज को लेकर सीधे अंदर के कमरे में चले गए। कमरे में सामने बैठे शख्स की ओर इशारा करते हुए राजीव ने पूछा, इन्हें जानते हो? भारद्वाज ने जवाब दिया, यह तो एक्टर हैं, लेकिन मैं इनके पिता को जानता हूँ। राजीव के घर में उस समय अमिताभ बच्चन बैठे थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव ने देश और पार्टी की कमान संभाल ली थी। दिसंबर में ही चुनाव होने थे। सहानुभूति की लहर पर सवार कांग्रेस की नैया चुनावी वैतरणी पार करती दिख रही थी। हालांकि इलाहाबाद में कुछ फंसा हुआ मामला था, जहां कभी कांग्रेसी रहे दिग्गज हेमवती नंदन बहुगुणा अब कांग्रेस के ही खिलाफ लोक दल के टिकट पर ताल ठोक रहे थे। अमिताभ और बहुगुणा के बीच हुई चुनावी लड़ाई का परिणाम लगभग सभी को पता है। उस समय एंग्री यंग मैन रहे अमिताभ के ग्लैमर के आगे बहुगुणा का अनुभव हार गया। लेकिन बहुगुणा को मात देने के लिए इलाहाबाद की सीट के लिए राजीव ने कैसे अमिताभ को शह दी, उस समय कैसी चालें चली गई थी, इससे राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड ने पर्दा उठाया है। नीरजा चौधरी जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक हैं। अमिताभ के सामने जब राजीव गांधी ने चुनाव लड़ने की पेशकश की, तो उनका जवाब था, मुझे पॉलिटिक्स के पी के बारे में भी नहीं पता। बावजूद इसके अमिताभ चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गए। वजह थी बच्चन और नेहरू गांधी परिवार के बीच के पुराने संबंध। इस रिश्ते की नींव 1940 के दशक की शुरुआत में पड़ी थी। जवाहरलाल नेहरू से सरोजनी नायडू ने हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी तेजी बच्चन का परिचय कराया था। तेजी और इंदिरा के बीच दोस्ती हो गई, और दोस्ती भी इतनी गहरी कि 1968 में जब राजीव से शादी करने के लिए सोनिया गांधी इटली से भारत आई, तो वह बच्चन परिवार के यहाँ ही रुकी थी। अगली पीढ़ी के राजीव और अमिताभ ने इस दोस्ती को और भी आगे बढ़ाया। हरिवंश राय जब राज्यसभा के लिए नामित हुए और परिवार दिल्ली आ गया, तब राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में राजीव और अमिताभ साथ में तैरने जाते। अमिताभ से भारद्वाज को मिलाने के बाद राजीव दोनों को लेकर विजिटिंग रूम में पहुंचे। वीपी सिंह यहां पर पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। यूपी में वीपी सिंह का प्रत्याशियों को चुनने में पूरा दखल था। जब इलाहाबाद से अमिताभ को खड़ा करने का मसला उनके सामने आया, तो वीपी ने बस इतना ही कहा, कोई समस्या नहीं है, हम लोग तिवारी को बदल देंगे। तिवारी मतलब केपी तिवारी, जो कि वीपी सिंह के बेहद खास थे। उन्हें तब तक इलाहाबाद से कांग्रेस का टिकट दिया जा चुका था। रातों रात तिवारी को यूपी कैबिनेट में जगह दी गई, और अगले दिन उन्होंने शपथ भी ले ली। बाद में उन्हें विधान परिषद सदस्य बनाया गया था। खुद इंदिरा गांधी ने उन्हें सूबे की जिम्मेदारी सौंपी थी, वह भी अपनी मौत से केवल 2 महीने पहले। दरअसल उस समय यूपी में हालत अच्छी नहीं थी। इंदिरा गांधी ने वीपी सिंह को कांग्रेस की ओर से पार्टी में दोबारा जान फूंकने के लिए भेजा था, लेकिन राजीव गांधी ने वीपी सिंह से बिना पूछे अमिताभ पर फैसला ले लिया था। इससे वे असहज भी हुए थे। यही कारण था कि उन्होंने खुद को अमिताभ की चुनावी सभाओं से दूर रखा। वह केवल एक मौके पर आए, जब राजीव पहुंचे थे चुनाव प्रचार के लिए। खैर, अब आगे की रणनीति थी अमिताभ के जरिए बहुगुणा को चौंकाने की। इसके लिए इस बात को आखिर तक राज रखने की योजना बनाई गई कि अमिताभ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यूपी में चुनावी रणनीति देख रहे अरुण नेहरू अमिताभ और जया बच्चन को लेकर लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट से दोनों को लेकर सीधे सीएम आवास चले गए। तय हुआ कि अमिताभ को सभी की नजरों से बचाकर इलाहाबाद ले जाया जाएगा। ऐसा ही हुआ भी। आखिर वक्त तक किसी को नहीं पता था कि कांग्रेस ने फिल्मी सितारे को उतारा है। चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने का आखिरी समय था शाम 4 बजे। अमिताभ ने आखिरी दिन बिल्कुल आखिरी मौके पर दोपहर 3:30 बजे पर्चा भरा। बहुगुणा के पास बिल्कुल भी समय नहीं था कि वह किसी और लोकसभा सीट पर जा सके।
अब उन्हें टकराना था उस समय के सुपरस्टार से। अमिताभ जब प्रचार के लिए इलाहाबाद पहुंचे, तो उनकी एक झलक पाने को भीड़ उमड़ पड़ी। युवतियों ने अपने दुपट्टे फेंकने शुरू कर दिए। कांग्रेस के एक नेता ने उन दुपट्टों को गिना भी, जो कि कुल 1785 थे। उस चुनाव में 68% वोट पड़े और अमिताभ ने बहुगुणा को हरा दिया। कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन उसके प्रदेश अध्यक्ष वीपी सिंह को लगा कि उन्हें इलाहाबाद से बेदखल कर दिया गया है। इस क्षेत्र से जुड़े मामलों में उनकी पूछ घटती गई। हालांकि यह बेदखली बहुत वक्त नहीं रही। अमिताभ ने सही ही कहा था कि उन्हें पॉलिटिक्स के पी के बारे में भी नहीं पता। जल्द ही वह अपने संसदीय क्षेत्र से दूर होते गए। उन्होंने इलाके पर ध्यान देना कम किया तो जनता भी उनसे कटने लगी। 1987 के मध्य में ही जब भाई अजिताभ पर आरोप लगे तो अमिताभ ने इस्तीफा दे दिया। यह कहानी राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड का संपादित अंश है।